गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन। तो आज है 8 तारीख एंड नहीं 8 तारीख है 9 तारीख है, देखना पड़ेगा। 8 तारीख है भाई साहब, मुझे तो डेट का भी पता नहीं है अभी तो, क्योंकि बैक टू बैक काम ही इतना रहता है। इसको पहले थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अभी इसको लेके निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए एंड बीच में मुझे भी एक जगह रुकना है तो वहाँ पे रुकता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आज अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। अभी लास्ट मोमेंट कॉल आया है मुझे, अगर लास्ट मोमेंट कॉल नहीं आया तो मैं अपने टाइम पर निकलता। इट्स ऑलरेडी 9 ओवर हियर। तो निकलते हैं घर से, बट उसके पहले होने देते बाइक को कोल्ड स्टार्ट। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ अभी ऑफिस के लिए एंड मुझे कहाँ पे जाना था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो बेसिकली मैं घर से निकला और तीन दिन से हमारे इस्त्री वाले भैया अजय भैया घर पे आए नहीं थे कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो मेरे कपड़े कुछ आयन नहीं हुए थे और मेरी बहन इतनी अलसी है, उसने वो दिए भी नहीं और फ़ोन भी नहीं है, कष्ट भी नहीं किया है, तो उसी की वजह से आज मेरे को निकलना पड़ा। एंड मैं गया अजय भाई के पास, अपनी एक शर्ट आयन करवाई एंड मैं अभी निकला हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस जाऊँगा, चेंज करूँगा एंड उसके बाद चेंज में बेसिकली मेरे को सिर्फ टी शर्ट चेंज करना है, नथिंग एल्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंदर मैंने टी शर्ट पहना और उसके ऊपर जैकेट पहना तो किसी को पता नहीं चलने वाला, बट अपने को तो पता है। सो मैं अभी यहाँ से जाऊँगा ऑफिस, ऑफिस पर जाके चेंज वेंज करूँगा और फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। और आज का दिन रहने वाला बहुत ही अमेजिंग बढ़िया सा, क्योंकि आज इवेंट है एंड आज इवेंट ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखते हैं आज कितने बजे फ्री हो पाऊँगा। इट्स ऑलरेडी 8:45 इन द मॉर्निंग, सो बहुत जल्दी निकल चुका हूँ एंड आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम 8:45 हुए क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता था मैं घर से उसी टाइम पे निकला था। एंड बाकी भाई साहब मेरी आजकल याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, क्यों होती जा रही है आई डोंट नो। एंड अभी पहले जाना है ऑफिस और भैया पीछे वाला आ रहा है रेस करने के लिए, भाई तुम करो हमको नहीं करनी है, हमको आगे से लेना है राइट टर्न, तो हम लोग आगे से राइट ले लेंगे और फिर चले जाएंगे ऑफिस। और अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि फ्यूलिंग लाइट आ चुकी है एंड कल से आ चुकी है, मैंने फ्यूलिंग नहीं डलवाया तो आज फ्यूलिंग भी डलवाना पड़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि फ्यूलिंग नहीं डलवाया तो बाइक की एवरेज बहुत ख़राब हो जाएगी एंड इसी बार मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को बाइक में से एग्जॉस्ट निकालना ही पड़ेगा। मैंने बोला था आप लोगों को 31st को एक मैं निकाल दूंगा, बट अभी तक मैंने निकाला नहीं था, कल ही मैंने बाइक निकाली क्योंकि लेट हो रहा था, वरना मैं बाइक निकालता भी नहीं। एंड ये मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम फ्यूलिंग करवाया है, तो फर्स्ट फ्यूलिंग ऑफ 2023 एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम फ्यूलिंग करवाएंगे ड्यूक 250 अपनी बगीरा का एंड उसके बाद अपने एग्जॉस्ट चेंज कर देंगे, तो आज के दिन में अपना बाइक हो जाएगा ठीक। उसके बाद अपने को एग्जॉस्ट चेंज कर देना है क्योंकि एवरेज बहुत ज़्यादा गिर रही है, 22 की एवरेज हो गई, 21-22 की एवरेज हो रही है एंड आज रात को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी एवरेज आई है। सो अभी तक जैसे मैं देख पा रहा हूँ 240 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है बाइक एंड देखते हैं कि कितना फ्यूलिंग आता है, रात को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो उसके पहले अभी मेरे को जाना है ऑफिस, तो ऑफिस चलते हैं, सारा काम वाम निपटाता है एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और ये भैया थूक के बहुत गंदी चीज़ की है यार, रास्ते पे नहीं थूकना चाहिए यार। मोदी जी ने इतना अच्छा सफाई अभियान चालू किया यार, बहुत टाइम हो गया और अब सब सफाई रख भी रहे यार, सफाई कर्मचारी कितना काम करेंगे, हमारी तरफ से भी थोड़ा बहुत तो हिस्सा बनता ही है, तो वही करेंगे। एंड आज रात को हमारा कुछ ऑफिस का प्लान भी है, तो वो देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। बाकी अभी अपने चलते हैं, सारा काम हम निपटाते हैं एंड आप लोगों को डायरेक्टली मिलूंगा मैं शाम को। अभी चलते हैं ऑफिस। ओहो हो भैया रॉन्ग साइड में, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी अपने को ऐसे सारी दिक्कतें मिलती रहने वाली है, बट अभी चलते हैं ऑफिस, सारा ऑफिस का काम निपटाता हूँ एंड आप लोगों को डायरेक्टली मिलता हूँ शाम को। सो हाँ जी, अपन निकल चुके हैं अभी ऑफिस से एंड वही पुराना रास्ता आज भी इसी टाइम से निकल रहा है एंड आज मैं निकल चुका हूँ जल्दी। इट्स ऑलरेडी 7
इन दी इवनिंग एंड मैं निकल रहा हूँ आज जल्दी, क्योंकि अपने जल्दी आए थे एंड काम सारा ख़त्म हो गया था एंड आज का दिन रहा बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार, और काम करने का तो अलग ही मज़ा आ चुका है। कल छुट्टी लेने वाला था बट कल छुट्टी नहीं हो पाएगी क्योंकि कल एक आ रही है इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग। बाकी अभी अपने चलते हैं एंड अभी चलना अपने को फ्यूलिंग करवाने के लिए, तो फ्यूलिंग करवाते हैं एंड देखते हैं कितनी एवरेज आई, क्या है क्या नहीं सीन। बाकी गाइज आप लोग बताओ आप लोगों को व्लॉगिंग सीरीज़ कैसी लग रही है। आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है बट अपन लोगों ने ऑब्वियसली 100+ व्लॉग्स कंप्लीट कर दिए इजीली। सेकंड को मेरे को पता था तब तक अपने 100 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके बाद देखते हैं कितने व्लॉग्स हो, आई डोंट नो। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बता दूंगा कि कितना। हो भैया यार आज सब लोगों को बीच में ही है ना, मेरे ही बीच में ना यार, मेरी गाड़ी के नीचे आके मरोगे क्या। सो ये सारी बातें चलो फालतू की छोड़ते हैं, चलते हैं अपने अभी फ्यूल पंप फ्यूलिंग करवाते हैं एंड देखते हैं बाइक की एवरेज कितनी आई है। नहीं सादा अच्छा सादा डालो ना। तो अभी भी पेट्रोल का रेट है 96.38 एंड देखते हैं कि कितना पेट्रोल आता है। किसी बाइक की फुल टैंक खाली हो चुकी है एंड अभी देखते कितना पेट्रोल आता है इस बार। अभी आएगा और ऑटो कट सर और आएगा डालो। रुको रुको धीरे धीरे, अरे भाई 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 धीरे बस चले घर अंदर, आधा तो गिरा दिया। वो टैंक में नहीं जाता, वो फ्लश हो जाता है वहाँ से। भाई बिल निकाल दे पहले। तो पेमेंट भी हो चुका है एंड लेट्स सी कि बाइक कितनी चली है। 12 लीटर फ्यूल गया है टू बी प्रिसाइज एंड कितना किलोमीटर चली है 253/12 21 की एवरेज मिली है वापस। सो विद एग्जॉस्ट 21.5-22 की एवरेज देती है। हो गया पेमेंट एंड विदाउट एग्जॉस्ट मेरे को नॉर्मल मेरा जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसके साथ मेरे को देती है 32। सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फ्यूलिंग एंड एवरीथिंग। जो भी करना है इसको जीरो तो कर देते हैं, जीरो इसको भी कर देते हैं जीरो एंड लेट्स लीव। सो आप लोगों को वापस से मैंने आप लोगों को एवरेज बता दी एंड अपने हर बार ऐसे ही एवरेज निकालते रहेंगे आगे भी। इस साल का देखते हैं अपने कितने का फ्यूलिंग करवाते हैं बाइक में। इस साल का फर्स्ट फ्यूलिंग हुआ है 1200 रुपये का एंड अभी अपने चलते हैं घर पे।
आई होप गाइज आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो आप लोगों को ड्रिल पता ही करना है क्या। बाकी गाइज आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत। और गाइज प्लीज अपना प्यार बनाए रखना, अपने को जल्द से जल्द करना है कंप्लीट 1K। बाकी गाइज आप लोगों को मिलूंगा डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एवरीवन।